असद बलोच साहब ने कहा कि कोस्ट गार्ड है, हमारे लोगों को तंग करते हैं, बलोच पश्तून के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं अपने भाई से सवाल करता हूं कि पिछले 5 साल जब आप इक्तदार में थे, ये कोस्ट गार्ड इसी जगह पे भी था, यही कोस्ट गार्ड लोगों को चेक भी करता था, यही कोस्ट गार्ड से तमाम गाँव में गुजरते थे, आपने कभी पॉइंट ऑफ आर्डर पे यहाँ असेंबली में कोस्ट गार्ड के बारे में बात की? दूसरा, आप मेरा बात सुने, मैं तूने सुना, आप मेरा बात तो सुने, सस्ती शोहरत के लिए यहाँ आके बस सिर्फ बलोच पश्तून, बलोच पश्तून। क्या पहले ये चेक पोस्टों पे लोगों को पंजगुर से लेकर इधर नहीं रोकते थे अमन अमान के सिलसिले में? उस टाइम कोई इसने चेक पोस्टों के खिलाफ कोई बात की नहीं? किया अभी सिर्फ, आप मुझे सुने तो सही, आप सुने फिर बात करें। अली मोहम्मद, एड्रेस प्लीज। इसको असल में 5-6 दिन से कोई, आप तशरीफ रखिए, आप मुझे सुने, कत्ल किया है आज आप कत्ल करते हैं कि कल कोई कत्ल हुआ था, आपने कुछ नहीं किया था, हमारी गवर्नमेंट हम खाते ले, हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को मारते हैं। ओके, देखिए ना चीजों को तसल्ली से, दलील के साथ। अली मोहम्मद, अली मदद, दो नंबर बलोच, आपको दो नंबर मैंने सुना ना, आप चुप तो करें फिर मेरा जवाब दे। ठीक है, मैं बोला दो नंबर बलोच। अच्छा, आप बलोच नहीं हो। अच्छा, बलोच अच्छा, के नाम पे एक थप्पा। मैं ये बलोचिस्तान के सरजमीन का पर्जन हूँ। आप जैसे डाकू नहीं हो, आप जैसे दलाल नहीं हो, आप तो इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लिए थे। टेस्ट करूंगा मैं आपका, डीएनए टेस्ट करूंगा, बलोच नहीं हो। अली मदद, डीएनए टेस्ट करूंगा आपका। आप दलाल है, आप एजेंसियों के दलाल है, आप आईएसआई के दलाल है, आपको शर्म नहीं आता? ये तमाम गैर फालिबानी अल्फाज, ये तमाम, ये हमारा मुल्क है, शर्म नहीं आते? चलो भाई, बड़ा राय का दलाल आपको। अली मदद, यहां जो दलाल हो, तू बलोच के नाम पे थपाओ, बलोच की कहां से बलोच आ गया? सारा ये इधर बलोच, ये असद बलोच, अली मदद तशरीफ रखे। अली मदद, अली मदद, दोनों का करते कौन बलोचे? चलो, अली मदद तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। दैट इज दिन, ये तमाम गैर फानी अल्फाज आज की कार्रवाई से आजब किए जाते हैं। बैठे बैठे अली मदद, बैठे प्लीज, असद भाई बैठे प्लीज, तशरीफ रखे। ये तमाम गैर पार्लिमानी अल्फाज आज की कार्रवाई से हजब किए जाते हैं। जनाब देखें, ये जो सीएम साहब बार बार कह रहे हैं ना कि असेंबली को रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलाएं, उसका ये है उसके नेगेटिव, जब हम रूल्स के मुताबिक नहीं चलते हैं। वक्फा सवालात के अंदर आप इस तरह के पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे हालांकि आप नहीं उठ सकते हैं, लेकिन हम आपको मौका देते हैं और ब्रिज का नतीजा इस तरह निकलता है। जनाब सादिक मोहम्मद संजरानी साहब, अपना सवाल नंबर